व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस, आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं आई एम फिश। तो इस गेम के बारे में आपको मालूम होगा, तो इस गेम में हम हैं एक फिश जो कुछ दिन पहले हम एक्वेरियम में थे और अपने बाकी फिश फ्रेंड्स के साथ, और अभी अलग अलग ओनर्स ने हमें खरीद लिया है और अभी हमें उनके घर वाले एक्वेरियम से बाहर निकलना है और एक बहुत बड़े समुन्द्र में और ओशन में वहाँ पर जाके हमें अपने फ्रेंड्स से मिलना है, जो कि काफी ज्यादा मुश्किल टास्क होने वाला है और बीच रास्ते में बहुत सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो बट आज हम उन सबको पार करके यहाँ से एस्केप करने वाले हैं। तो ऑल राइट गाइस, वेलकम बैक टू आई एम फिश। तो वेल, आज हम लोग जिस फिश से खेलने वाले हैं उसका एक्वेरियम एक वेयर हाउस में है और यहाँ पे एक बर्ड आ गई है जो कि हमें शायद से वो परेशान करना चाहती है। अबे अबे वेट, हम लोगों ने उल्टा उसको परेशान कर दिया, क्योंकि ये जो फिश है ये नॉर्मल फिश नहीं है, जो कि फूल के एक बड़ी सी बॉल या फिर कोई बड़ा सा बैलून बन सकती है। ये वही पुराने दिन है जो कि हम पहले अपने दोस्तों के साथ रहते थे। ये वही हमारे पुराने दोस्त हैं जिनको मैंने पहले एस्केप करा दिया है। बट हाँ, हम लोग उन पुराने दिन को मिस कर रहे हैं। बट हमें आज यहाँ से एस्केप करना पड़ेगा और मुझे सामने एक ओशन नजर आ गया है। वहाँ पर पूरा एरिया एक बहुत बड़ा ओशन है, तो मुझे कुछ भी करके वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। बट तो उससे पहले मुझे इस वेयर हाउस से बाहर निकलना है। तो यहाँ पर दो रास्ते हैं, एक रास्ता पीछे को जा रहा है तो वो काफ़ी ज़्यादा लंबा है, पीछे वाला रास्ता। तो ये वाला जो रास्ता है सामने वाला है, शायद से मैं जल्दी यहाँ से नीचे उतर सकता हूँ, वो भी धीरे धीरे। वेट, आराम से, धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा धीरे धीरे, आराम से, प्यार से। इस बॉल को मैं कंट्रोल करता हुआ आगे लेके चलता हूँ, आगे की तरफ एक मस्त कट है और मैं यहाँ से नीचे उतर सकता हूँ। तो मैं इस गेम में काफ़ी ज़्यादा प्रो हो चुका हूँ, आप लोग ये देख सकते हो, आप लोग ये कह सकते हो। खैर, मुझे अभी नीचे जाने के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, जहाँ से मैं आराम से उतर सकता हूँ, अपने बॉल को कोई भी डैमेज नहीं पहुँचेगा। नहीं पहुंचा, बच गया। हम यहाँ पे मैट पे कूदते, अगर हम ज़मीन पे कूदते तो शायद से हमारा बाउल क्रैक हो जाता, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं प्यार से उतारूँ अपने बाउल को, फिर भी हमारा बाउल थोड़ा बहुत टकराया है। ओहो, यहाँ से मुझे अपने बाउल को सीढ़ी पर से उतारना पड़ेगा, वेट, वो भी बहुत कम स्पीड में। वेट, यहाँ पे मैंने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी भाई, शायद से हमारा बाउल नीचे उतरते उतरते टूट जाएगा, हो सकता है। नहीं, हम लोग सेफ हैं, यानी कि हम लोग बच गए, यानी कि हम लोग अभी बच चुके हैं। और यहाँ पे काफी ज्यादा मैं आराम से अपने बाउल को नीचे लेके आ चुका हूँ, और सामने ये शायद से ये कैट फूड है, और यहाँ पे ये कैट के फूड स्टेप्स हैं, और आपको तो पता है ये कैट्स को फिश बहुत ज्यादा प्यारी है। अगर यहाँ पे कैट आई, उसने हमें देख लिया ना, तो पक्का ये बॉल को तोड़ के हमें बाहर निकाल के खाएगी वो। तो अभी वो आए, उससे पहले हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। तो अभी मैं बाहर आ चुका हूँ और इस तरफ एक डोर है, और इसको ओपन कर लेते हैं, लेट्स गो। यहाँ पे एक मस्त दरवाजा था जिसको मैंने ओपन कर लिया है, ये वापस बंद हो रहा है। रुको, अबे रुक जा, मैं इसको पहले पूरा खोल देता हूँ सही से। और यहाँ से मैं अभी बाहर आ चुका हूँ, लेट्स गो। ये काफी ज्यादा बड़ा एरिया है, यहाँ पर एक लेफ्ट में कार खड़ी हुई है, और यहाँ पे एक बकेट है जहाँ पे शायद से पानी नहीं होगा। अगर पानी यहाँ पे हुआ तो भी मैं उस पानी का काफी ज्यादा फायदा नहीं उठा सकता। मैं बाय चांस अगर बकेट गिरती है, पानी पूरे में फैल जाएगा, और क्या, हमारे थोड़े काम आने वाला है ये। जहाँ तक मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से एस्केप करने के लिए कोई नदी या फिर कोई पाइप या फिर कोई नाला वगैरह कुछ तो ढूंढना पड़ेगा, जिसके थ्रू मैं जल्दी से जल्दी उस ओशन तक पहुँच पाऊँ मैं, क्योंकि यहाँ पे कोई छोटा मोटा नाला उस रिवर से कनेक्ट होता है, फिर उसके बाद वो रिवर जाती है किसी बहुत बड़े लेक में, उसके बाद फिर ओशन में। ओए, यहाँ पे एक बहुत बुरी ढलान है, मैं बहुत गलत आ चुका हूँ अब तो, अब मेरा कुछ भी नहीं होने वाला। हो सकता है मैं नीचे से निकल जाऊँ, नहीं, हो गया काम, नहीं, बट नहीं, मैं नीचे से नहीं निकल पाया। ये क्या लिखा है, प्रेस स्पेस टू यूज स्पेशल एबिलिटी। ओ वेट, ये तो मैं भूल ही गया था, इसके पास इतनी मस्त स्पेशल एबिलिटी है, बॉल बन के इस तरीके से पानी में आ सकती है। अगर हम थोड़ा और वेट कर लेते तो शायद बाहर ही हमारा दम घुट जाता और हम मर जाते, बट नहीं, अभी मैं यहाँ पे भाग के आ चुका हूँ, और सामने यहाँ पे एक पानी है, सामने रिवर है, या फिर ऐसी कोई नॉर्मल सा पानी जा रहा है, या फिर कोई नहर टाइप की है, या फिर कुछ ऐसा कुछ होगा, पता नहीं। खैर, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पानी थोड़ा नीचे गिर रहा है, तो लेट्स गो। यहाँ से भी हम जंप मारते हैं,
अबे अबे मैं यहाँ पे आके गिर चुका हूँ। वेट, अच्छा मैं समझ गया, मुझे यहाँ पे बॉल बनना पड़ेगा। ये काफी ज्यादा बढ़िया है, यानी कि जैसे मैं पानी के बाहर हटूँ मुझे एक बॉल बनना है, बॉल बन के मुझे फूल जाना है ताकि ग्रेविटी का यूज करके मैं आगे बढ़ सकूँ। यहाँ पर भी सेम ऐसा ही है, हम एक बॉल बन के आगे जाएंगे। भाई ये वाला मैप बहुत ज्यादा अमेजिंग है, ये वाली फिश भी बहुत ज्यादा अमेजिंग है, तो इससे खेलने का अलग ही मजा है। तो लेट्स गो। तो अभी तुम्हारा भाई दोबारा से पानी में आ चुका है, तो सामने एक बहुत खतरनाक झरना है, यहाँ से एक बहुत बड़ी जंप मार के बॉल बनूंगा मैं और फिर भाग के नीचे आ जाऊंगा मैं। अभी देखो यहाँ पे दो तीन रास्ते जा रहे हैं, एक रास्ता पीछे को जा रहा है और एक रास्ता यहाँ से राइट से जा रहा है, तो फिर हम राइट वाले रास्ते से चलते हैं, क्या पता राइट वाला रास्ता ही राइट हो। यहाँ पर भी मैं मस्त जंप मार चुका हूँ। ओहो वेट भाई साहब, अभी मैं एक क्रेजी बॉल बन चुका हूँ, जो आती थी ना, जो हम बचपन में खेलते थे उड़ा उड़ा के, जैसे कि हल्का सा फेंको और मस्त उड़ उड़ के जाती थी, वो सेम वही वाला हिसाब है। बाकी यहाँ पर भी धीरे 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 लेट्स गो। वैसे काफी ज्यादा इजी हो रहा सच्ची में, बिल्कुल मजाक जैसा, ऐसा हमें लग ही नहीं रहा कि इसमें कुछ हार्ड होगा इस फिश के लिए। बाकी देखते हैं अब, यहाँ पर हमें थोड़ा सा आना था, इधर भी हम पहुंच चुके हैं, जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं ओशन के बहुत ज्यादा क्लोज पहुंच चुका हूँ। मुझे बॉल बनना पड़ेगा, पानी बहुत दूर है। वेट, नहीं 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 नहीं, पहुंचने वाला हूँ। ओ भाई, पहुंच गए। आप लोगों ने देखा होगा अभी हमारी स्क्रीन धीरे धीरे डार्क हो रही थी, इसका मतलब यह है कि हमारा ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, मतलब कि ऑक्सीजन तो फिश को पानी के अंदर ही मिलता है, यानी कि अगर ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा तो हम मर जाएंगे। फिलहाल अभी मुझे यहाँ से कहाँ जाना है, मुझे यहाँ से आगे ही जंप मार के जाना पड़ेगा। बस, अरे बोल बन, बस, नाइस। अभी मुझे यहाँ से बहुत दूर जाना है और स्टार्ट से मुझे लग रहा है कि मैं वहाँ पे नहीं पहुँच पाऊंगा। हो जाएगा, पहुंच गए, हो जाएगा, पहुँच गए। वेट शेट, नहीं यार, मैं इसको एक बारे में कर डालता, बट क्या करें, हमारा ऑक्सीजन लेवल खत्म हो गया। फिर हम दोबारा से यहाँ पे आ गए और अब हमें दोबारा से ट्राई करना है, तो हमें यहाँ से बहुत तेज स्पीड में जाना पड़ेगा। पहले मैं जाऊंगा नीचे, फिर ऊपर आके ये बड़ी वाली जंप मार के, तो अब मुझे पूरा कंट्रोल करते हुए सामने जो पानी है ना वहाँ तक पहुँचना है मुझे। दोबारा से हमें वही ऑक्सीजन की कमी होने वाली, बट इस बारी में पहुंच गया, हम यहाँ पे जैसे तैसे पहुंच गए। खैर अभी हम धीरे धीरे काफी आगे आ चुके हैं, तो ये बात है, तो अभी हम आ चुके हैं सीधा पानी में, बहुत बढ़िया। यहाँ पे ये देखो भाई, और यहाँ पे पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज है। खैर ठीक है, मैं आगे जा पा रहा हूँ इस बहाव के साथ साथ। ये हमारी जंप, ओ तेरी भाई साहब, दूर दूर तक पानी नजर नहीं आ रहा। बच गए, प्लीज, नहीं, पत्थर में मत भिड़ियो, बच गए। राइट, थोड़ा सा और, नहीं भाई मर गए, कोई नहीं बचा सकता, पानी बहुत ज्यादा दूर है यार। अरे ये क्या हो गया, मुझे लगा मैं तो मर गया, लेकिन पता नहीं कैसे ये पानी में आ गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो फाइनली मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ भाई, तो अभी हम यहाँ से और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद भी कुछ हार्ड है क्या इस स्टेज में, या फिर और कुछ रहता है यहाँ पे, या फिर कोई मजाक था ये, पता नहीं। खैर अभी तो हमें आगे चल के मालूम पड़ने वाला है। अभी मैं चलता हूँ थोड़ा सा नीचे, फिर उसके बाद हम मारते हैं प्यारी सी जंप और वापस बन जाते हैं एक बड़े वाले बॉल। तो लेट्स गो। तो वेल, अभी मैं बहुत खतरनाक से फॉरेस्ट में आ चुका हूँ, यहाँ का पानी भी मुझे ज्यादा साफ नहीं दिख रहा है, बट हाँ हम कुछ भी करके यहाँ से एस्केप करके रहेंगे। तो अभी मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ, यहाँ से ऐसे ऊपर जंप मार के यहाँ से बाहर निकलता हूँ। पता नहीं ये छोटे मोटे फॉरेस्ट के नाले हैं या फिर ये गड्ढे हैं पानी से भरे, पता नहीं मुझे ये ओशन तक ले जा पाएंगे या फिर नहीं, वो तो हमें वहाँ पर जाके मालूम पता लगने वाला है। धीरे 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 करके हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और ये मारी मैंने जंप, वापस से मैं बन गया हूँ एक बॉल और नीचे एक बहुत बड़ी लेक है। तो लेट्स गो, यहाँ पे मुझे एक मस्त वाला चेक पॉइंट भी मिल जाएगा यहाँ पर कूद के, ताकि मैं कल को कहीं पे बीच रास्ते में कहीं पे मैं अटकूं तो मेरा गेम यहाँ से कंटिन्यू हो जाए। बट यहाँ पे ना कुछ कांटे हैं, तो शायद से ये मेरे बॉल को तोड़ डालेंगे। ओए भाई वेट, अरे नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं खाली पीली में डर रहा था इन कांटों से। तो यार कोई बात नहीं, अबे बढ़ जाओ, आगे बढ़। बस, पहुंच गया। मुझे तो ऐसा लगा था कि मैं इन कांटों से फूट जाऊंगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये इतना ज्यादा हार्ड नहीं था। भाई ये जंगली पेड़ पौधे भी डरा कर रखते हैं। बाकी ये हमारी जंप, ये हम गए नीचे और ये हमारी हमने ऊपर जंप और ये बन गया बॉल, और यहाँ पे हम वापस से आ चुके हैं पानी में, वापस से हम फिश बन जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। यार ये वाला स्टेज मुझे बिल्कुल भी हार्ड नहीं लग रहा है,
क्या पता आगे चल के हमें कुछ तो डेंजरस देखने को मिले इस गेम में। बाकी मुझे ऐसा लगा था कि ये कांटे ये हमारी बॉल को फोड़ सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं समझ गया, ये हमारी बॉल को नहीं फोड़ सकते, कि ये बस हमें आगे जाने से रोकते हैं। ये बॉल नहीं है, ये तो फिश है। मैं बार बार इसको बॉल बोल रहा हूँ, मतलब ये फूल जाती है तो एक तरह से ये बॉल लगती है। ओ भाई, यहाँ पर तो कुछ बहुत खतरनाक वाटरफॉल है। पता नहीं ये वाटरफॉल मुझे कहाँ पर ले जाके फेंकेगी। अबे ओए, बॉल बन जा, पेड़ पे नहीं टकराना। और ये मैं आ चुका हूँ पानी में, तो फाइनली हम इसको भी क्रॉस करने वाले हैं। यहाँ पर कहीं तो बहुत ज्यादा गहराई है, आगे खाई तो नहीं है, कभी पता लगे मैं आगे जाऊँ। खैर कोई नहीं, नहीं है तो वेल डन। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा आगे आ चुका हूँ और यहाँ पे एक बहुत मस्त चेक पॉइंट है, लेकिन ये लेवल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो एक के बाद एक बड़ी बड़ी लेक आ जाती है, फिर वो पता नहीं कहाँ पे हमें ले जाती है। तो हाँ यार, बट मुझे इस बारी ऐसा लगता है कि अरे ये मैं कहाँ जा रहा हूँ, ये मैं कहाँ पे आ गया भाई। यहाँ पर तो कोई पाइप थी, मैं तो बोले जा रहा था कि शायद से मैं यहाँ से एस्केप कर लूँगा, बट जब भी मैं यहाँ पे पाइप में आ चुका हूँ और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि आखिरकार ये पाइप या फिर कोई टनल है ये मुझे कहाँ पे लेके जाने वाली है। ओए होए वेट, तो मैं एक फॉरेस्ट से एक मस्त किसी गांव में या फिर किसी सिटी में आ चुका हूँ। तो एक बारी हम यहाँ पे कोई डीप वाटर चल के देखते हैं, या फिर हो सकता है यहाँ पे कोई एक आध ब्रिक टूटी हुई हो जिसके थ्रू मैं ऊपर उस पार जा पाऊँ। बट अपनी इतनी अच्छी किस्मत नहीं है यार, उस तरफ कुछ भी नहीं टूटा। बट वेट, मैं शायद कुछ समझा, मुझे पार इसी जगह से करना है। हाँ, तो अभी मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, वैसे आपने भी रियल लाइफ में नोटिस करी होगी, कभी भी हम किसी बॉल को एक पानी में डालते हैं, कोई ऐसे बॉल हो जिसके अंदर एयर हो, फिर हम उसको छोड़ते हैं, फिर वो इस तरीके से बाहर आती है। भाई मैंने कहा था ना, इस गेम की फिजिक्स बहुत प्यारी है, मैं समझ गया हूँ, मुझे इसी तरीके से एस्केप करना है। इस बार ही मिस हो गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम मिस होने वाला नहीं है। पहले मैं जाऊँगा नीचे, फिर मैं ये बन के जाऊँगा मैं ऊपर इस तरीके से। नहीं नहीं नहीं, मुझे बॉल बनना है। और ये मैं आ चुका हूँ किसी दूसरी वाली साइड पे। अब हो रहा है ना ये वाला लेवल एकदम मस्त मस्त इंटरेस्टिंग, मस्त मजा आने वाला है इसमें। कुछ इस तरीके से ऊंचे जंप मार मार के मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। आगे मुझे कुछ खास रास्ता मुझे समझ में नहीं आ रहा इसमें। यहाँ से हम चलते हैं नीचे, फिर हम एक बॉल बन के फिर से हम ऊपर आते हैं। ये हम आ गए ऊपर। अबे यहाँ पे तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। वेट, मैं गलत फंस गया, मुझे इसके ऊपर से जाना चाहिए था। अबे नीचे हो जा प्लीज, हो जा। चलो बच गया, मुझे तो लगा था मैं गया। ठीक है, मैं बच गया। मुझे ना इस ट्री के ऊपर जाना है। ट्री के ऊपर जाने के लिए पहले मैं बहुत ज़्यादा डीप वाटर जाऊंगा, फिर मैं एक बॉल बन के जंप मार के कुछ इस तरीके से आऊंगा। बट इस बार ही फेल हुआ, नेक्स्ट टाइम नहीं होने वाला। नीचे चलते हैं एकदम आराम से। ये बन गया मैं बॉल। ओबे, ओ तेरी सर बढ़ गया ऊपर, क्या कसके लगी होगी ना भाई, असलियत में तो इतनी तेज लगती है। और ये तो बेचारी फिश है। ये आया मैं अब, ये मैं बना बॉल और ये मैं आ गया ऊपर। और मुझे अब इसको आराम आराम से आगे लेते हुए जाना है। और यहाँ से लेफ्ट 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 लेफ्ट, अबे लेफ्ट लेफ्ट, पहुँच गए। बस, ओ तेरी, अबे कैसे रह गया। कोई बात नहीं गाइज, लास्ट टाइम छोटी सी मिस्टेक हो गई, बट इस बारी ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। हम आ चुके हैं इस बारी इस ट्रंक के ऊपर। तो अब मुझे यहाँ से फुल स्पीड में लेफ्ट होना है। और प्लीज इस बारी कोई भी देरी नहीं हुई है, नहीं होनी चाहिए। और ये मैं आ गया पानी में, बच गया। मैं ऑलमोस्ट मरने वाला था लेकिन बच गया। मेन से मेरा ऑक्सीजन खत्म होने वाला था, फिर भी एंड में मैंने जंप मारी। फिर मैं आ चुका हूँ अब पानी में। तो यहाँ पे मुझे वापस से जाना है नीचे पानी में, फिर दोबारा से बॉल, फिर मैंने मारी जंप। और लेट्स गो, इस वाले ट्रंक से मारी, इस वाले ट्रंक पे जंप। तो अब मैं आ चुका हूँ सीधा पानी में, सिंपल। भाई ये स्टेज मुझे जितना बोरिंग लग रहा था ना, तो अब मुझे ये स्टेज बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। भाई क्या क्या मस्त तरीके से मुझे आगे बढ़ना है इसमें। तो मैं एक और जंप मारने वाला हूँ इसी के साथ। तो फिर से मैं आ चुका हूँ इस वाले ट्रंक के ऊपर। तो अभी मुझे बहुत ज़्यादा दूर जाना है, प्लीज़ टाइम मत ख़त्म होइयो प्लीज़। नहीं, कूद जा, वाओ, बड़ी मस्त जंप है, अलाइव, लेट्स गो। तो गाइज 0.01 सेकंड पहले हम यहाँ पे आके कूद गए, अगर हम थोड़ा बहुत लेट होते तो शायद से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती। तो अभी यहाँ पे मेरी फिश थोड़ी बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। तो भाई ऐसा क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता, कुछ तो मेरे हिसाब से आसपास में कोई
एक वहाँ पर दिक्कत थी लेकिन यहाँ पे आके ठीक हो चुकी है। बाकी मैं अभी किसी पार्क में आ चुका हूँ। भाई ये एक कैसी जगह से हम यहाँ से निकले, फॉरेस्ट से होते हुए हम एक पार्क में आ चुके हैं। यहाँ पर मुझे एक जगह मिल चुकी है, लोग यहाँ पे फिशिंग वगैरह करने आते होंगे। बस मैं यहाँ पे किसी का शिकार ना बन जाऊँ, अभी कोई है नहीं तो चुपचाप से हम यहाँ से एस्केप कर लेते हैं, बट नहीं हो पाया। यहाँ पर मैं आ चुका हूँ ऊपर। अबे ये क्या बदतमीजी है, यहाँ पर आसपास में कोई पानी नहीं है तो मुझे मजबूरी में यहाँ पे जार में जाना पड़ेगा। तो मैं अभी आ चुका हूँ जार में। तो हम वहाँ से निकले तो इसके अंदर आके फंस चुके हैं। अब बहुत खतरनाक है भाई, एकदम कूड़े वाले जार में। बाकी अभी मुझे यहाँ से, यार ये वाला स्टेज सच्चे में बहुत ज़्यादा बड़ा है, शायद मुझे इन चेयर्स को हटा के यहाँ से जाना पड़ेगा। ओह ओह, चिड़िया की आवाज़ आ रही है। ओ भाई, तो अब मुझे बर्ड्स परेशान करने वाली है शायद से इस वाले मैप में। मुझे बर्ड्स बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली हैं इस जार के अंदर। सामने एक चेक पॉइंट है, काश मैं यहाँ से इनके नीचे से निकल जाऊँ। तो एक तो यहाँ से इस जार को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मतलब डिफ़िकल्ट तो नहीं है, काफ़ी वियर्ड होता है। झटके से मुड़ो तो ये बहुत तेज़ मुड़ता है। और ये देखो, ऐसा लगता है कि ये फिश ने पी ली हो, मतलब पी रखी हो, मतलब बहुत ज़्यादा ड्रंक कर रखी हो, मतलब कि कहीं पे भी जाया जा रही है। अभी मैं आगे ले जा रहा हूँ तो अभी मैं सेंटर में टक्कर मारूँगा तो ये सीधी चलेगी, उसके अलावा अदरवाइज ये लेफ्ट राइट है, बस यही होता रहता है इसमें। बट इतनी भी ज़्यादा कोई डरने वाली बात नहीं है, हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना है इसमें। तो अभी मुझे जाना कहाँ पर है ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे मैं आकर फंस चुका हूँ अब। अरे यार मत पंगे लो भाई, ये भाग कर आई और ये लो टक्कर मार दी और जार क्रैक हो चुका है। भाई मत करो यार, टूट जाएगा ये अगर इसके बाद एक दो टक्कर और लगी तो। मैं तो गाइस अभी यहाँ पे हमारा बैंड बजने वाला है, क्योंकि मुझे लगता नहीं है ऐसा हम लोग ज़्यादा देर तक टिक पाएंगे। यहाँ पर मुझे कोई भी रास्ता मुझे दिखाई नहीं दे रहा। खैर मुझे जिस जगह पे जाना है ना वो जगह मुझे मिल चुकी है। मुझे यहाँ से जंप मार के नीचे जाना था और मैं यहाँ पे आया था, बट यहाँ पे मैंने इसी जगह को नोटिस नहीं करा। लेट्स गो, यहाँ पे प्यार से जंप। ओए ओए ओए, आराम से आराम से। ओहो भाई साहब, मैं कहूँ ये क्या अच्छा खासा जा रहा था, ये कैसा है, गंदा पानी है क्या है ये? तो ये एक डस्टबिन है तो मुझे इसको कंट्रोल करना है। भाई काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लेवल है, अभी मैं समझ गया मुझे कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। पहले मुझे जाना है नीचे, फिर मुझे यूँ आके यहाँ से प्यार से दूसरे वाले डस्टबिन पे आना है। तो खैर अभी मैं इसको कंट्रोल करके यहाँ से आगे बढ़ सकता हूँ। पता नहीं यार ये कितना ज़्यादा बड़ा लेवल है और ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। ओए ओए ओए, आराम से आराम से आराम से, गए गए गए, बजी बैंड, अभी ये पलटेगा। बहुत बुरे वाला, बच गए बच गए बच गए बच गए। अबे ओए कहाँ जा रहा है? बस बस बस, अब तू मेरे कंट्रोल में है, ठीक है। भाई साहब ये तो किसी भी डायरेक्शन में भागे जा रहा है, मैं इसको कहाँ पे ले जाना चाह रहा हूँ और ये कहाँ पे मुड़ रहा है। खैर ठीक है, मुझे यहाँ से मस्त रास्ता मिल चुका है, आगे एक बहुत बढ़िया वाला चेक पॉइंट भी है। ओए ओए भाई भाई, चेक पॉइंट, सामने चेक पॉइंट है, वो हम ले लेते हैं। चेक पॉइंट हमें मिल गया लेकिन मैं वहाँ यहाँ पे मैं आके गिर चुका था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने चेक पॉइंट ले लिया था, यानी कि हमारा गेम यहीं से कंटिन्यू हो चुका है। तो इसको यहाँ से पहले अटैच करते हैं, फिर चलते हैं नीचे, फिर बॉल बन के यहाँ से आके बाहर निकल लेते हैं। पानी 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 छोड़ो, अभी मैं यहाँ पे एक बाउल में आके गिर चुका हूँ, मुझे दोबारा कूदना पड़ेगा कहीं पर। तो नीचे पानी है क्या? और तेरे कुछ भी नहीं था गया मैं। ओके डन, अभी मुझे जल्दबाजी नहीं करनी, इस बाउल को कंट्रोल करते हुए बहुत ज़्यादा आराम आराम से आगे बढ़ना है। सामने की तरफ बहुत ज़्यादा अलग अलग रास्ते हैं, बस बीच में एक चेक पॉइंट है, तो अभी मैं आगे चल के कलेक्ट करने वाला हूँ। ओ भाई प्लीज ब्रेक ब्रेक ब्रेक, क्या हो रहा है ये? तो ओके, मैं इतनी देर से ट्राई कर रहा था। अबे ओए, ये गलत बात है भाई, ये तो मेरे को किसी ने बताया नहीं था, यानी कि मुझे उस वाले रास्ते से नहीं जाना है। जो कच्चे रास्ते हैं ना ये कभी भी टूट सकते हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो लकड़ी वाला फट्टा है ना मैं इसके ऊपर से निकल जाता हूँ, मतलब यहाँ से जाने का ट्राई करता हूँ, क्या पता मुझे ये वाला सही सलामत वहाँ पे ले जा सके। तो भाई हाँ, वो तो एकदम कच्ची वुड है, बस मुझे देख के समझ जाना चाहिए था। और बच गए बच गए बच गए, चेक पॉइंट प्लीज चेक पॉइंट। तो हमें चेक पॉइंट मिल चुका है, तो कच्चे वाले रास्ते को यूज़ ना करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो अगर मैं यहाँ से जाऊँ तो शायद से
यहाँ से जाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सामने एक कच्चा रास्ता है और एक लकड़ी का फट्टा है, तो मुझे वहाँ से नहीं जाना। लो लो, वो गिर गया, कच्चा वाला फट्टा। राइट वाले में जाना है हमें, वो नहीं टूटेगा, वहाँ से हम जा सकते हैं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और ये बर्ड्स भी यहाँ पे हमें परेशान करेंगे टक्कर मारने के लिए। तो ये ओपन एरिया नहीं है और मैं ये वाली वायर यूज़ कर सकता हूँ, तो मुझे ये वाली वायर यूज़ करनी है और यहाँ से लटकते हुए यहाँ से मस्त तरीके से मुझे आगे बढ़ना है। प्लीज़ गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट है। इस चीज़ में बस एक बार ही मैं मिस्टेक करता हूँ, दोबारा नहीं। तो अभी पता नहीं मुझे ये चीज़ कहाँ पे ले जाने वाली है, बट ऐसा लग रहा है कि मैं सामने भिड़ने वाला हूँ। लो भाई, बच गया। सही है, मैंने पहले से प्रेडिक्ट कर लिया था, वरना मैं उससे भिड़ता या फिर मेरा क्रैक हो जाता ग्लास, या फिर टूट ही जाता। बाकी सामने एक बर्ड बैठी हुई है। यार, बर्ड का ना अलग ही टेंशन देता है, वो हमें परेशान करने आती है, उसकी अलग ही दिक्कत है बर्ड की। लो गया। वेल, मुझे अभी ना राइट वाला रास्ता ट्राई करना चाहिए। तो ये वाला रास्ता लेफ्ट वाले रास्ते से ईजी जाता है एंड स्ट्रेट है। तो ओके, वेट। तो जैसे कि मैंने कहा था, यहाँ से रास्ता स्ट्रेट है, तो मैं इस रास्ते से आ चुका हूँ। बाकी आगे चल के देखते हैं क्या सीन है, आखिरकार ये कितना ईजी होने वाला है। बट वेट, तो अभी ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं यहाँ से आगे। तो आगे वाले रास्ते में मुझे मारनी है ब्रेक, क्योंकि मुझे यहाँ से जाना है राइट। तो यार, मैं इतना ब्रेक ले के आगे जाऊँगा ना, तो भाई मैं इस गेम में कभी हारने वाला नहीं हूँ। वैसे मैं हमेशा जल्दबाजी में मरता हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे ब्रेक ले ली, पहले हम लेंगे थोड़ा राइट, फिर हम लेंगे थोड़ा लेफ्ट, ताकि ये प्रॉपर एकदम सेंटर में चले हमारा ये बाउल। और यहाँ पे आके फिर राइट, फिर यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और सामने एक मस्त चेक पॉइंट भी है, तो इसको लेते हैं। तो अभी मैं वापस से उसी फॉरेस्ट में आ चुका हूँ। तो वाओ, तो अब आने वाला है मज़ा इस ख़राब दुनिया से निकल के। तो अभी मैं हटा बाउल से, तो अभी मैं बन चुका हूँ वही फिर से बॉल। अब पानी, ओए पानी नहीं है यहाँ पे, पानी नहीं है भाई, ये तो बहुत ज़्यादा गलत बात है। बस आगे पानी हो, ओ तेरी ये रहा पानी, बच गए। मुझे पता था हम लोग बच जाएंगे। खैर, मुझे यहाँ पे पानी मिल चुका है, तो अभी यहाँ पे हम दोबारा से पानी में चल के वापस से बॉल, वापस से हमें फिर से जंप मारनी है बॉल बन के, फिर हमें यहाँ से बाहर निकलना है, ताकि मैं दोबारा से फिर से किसी पानी में पहुँच पाऊँ। तो प्लीज़ यार, मैं ये वाले फॉरेस्ट मैप से कब एस्केप कर पाऊँगा, मैं तंग आ चुका हूँ यहाँ से भागते, परेशान कर दिया है। तो अभी मुझे फील आ रही है जैसे कि मैंने इस लेवल को ऑलमोस्ट क्लियर कर दिया है, बस यहाँ से मुझे थोड़ा सा नीचे जाना है, फिर एक प्यारी वाली जंप मार के हमें यहाँ से बाहर निकलना है। सामने एक मस्त ट्रंक है, इस पे से भी अपने बहुत मस्त वाली जंप लग चुकी है। तो अभी मैं किसी एक बहुत बढ़िया सी नाली में या फिर कोई पाइप टाइप की है जिसमें मैं आ चुका हूँ। अभी पानी दो भाई। ओ वेट, मैं पहुंच गया। मुझे ऐसा नहीं लगा था कि मैं दोबारा से इसी पानी में पहुंच पाऊंगा, बट मैं पहुंच गया। बाकी यार, बाहर देखो थोड़ा सा, यहाँ पे बहुत बड़ा टकरा सा वाटर प्रेशर है। नहीं, वो नहीं है, वाटरफॉल है। ये मुझे बहुत तेज कहीं तो आगे लेके जाने वाला है। तो अभी मुझे फील आ रहा है कि मैंने इस मैप को थोड़ा सा क्रॉस कर लिया है, बस ये और आगे ना हो। ओह प्लीज़, अभी मुझे और एस्केप नहीं करना प्लीज़। तो अभी तो मैं एक ओशन में पहुंच जाता। तो अभी यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा वाटरफॉल है। तो ये मारी मैंने जंप। तो अभी मैं और भी काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुका हूँ। तो अभी ये काफ़ी ज़्यादा खुला एरिया है। तो अभी हमें थोड़ा सा आगे जाना है और वहाँ पे एक चेक पॉइंट है। तो लेट्स गो गाइस। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़िया फील आ रही है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुली रिवर में आ चुका हूँ। तो अभी मुझे बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। खैर, यहाँ पे ओहो, ओ तेरी भाई, यहाँ पे तो मेरी जैसी और भी काफ़ी ज़्यादा फिश हैं, बट यहाँ पे कुछ लोग और भी लोग यहाँ पे फिशिंग करने आए हुए हैं। भाई, ये बंदा यहाँ पे जो कार है, ये मुझे तो ये वैसी कार लग रही है जहाँ से हमने पहले एस्केप करा था। सेम टू सेम ये कुछ उसी टाइप की कार है। मुझे ना उसके कांटे से अभी दूर रहना चाहिए, कहीं वो मेरे को पकड़ ले और फिर घर पे ले जाके अपना मुझे खाना बना ले वो। मुझे ना अभी उसके कांटे से दूर रहना चाहिए, कभी पता लगे वो मेरे को पकड़ ले और फिर घर पे ले जाके अपना खाना बना ले मुझे और खा जाए, या फिर ये अपने एक कोरे में मुझे धर ले।
क्या मुझे उसके कांटे से तो नहीं अड़ना, क्या पता ये हमें कांटे में फंसाए, उसके बाद ये कोई अच्छी सी जगह पे हमें ले जाए। ओके ओके ओके, इसने अभी मुझे पकड़ लिया है और ये मुझे अभी घसीटता हुआ पीछे को ले जा रहा है। कितना ज़्यादा दम लगा रहा है। ये ले भाई, मैं तेरी हेल्प कर देता हूँ। ये ले भाई, अबे टेंशन क्यों ले रहा है, मैं तेरे पास खुद आ रहा हूँ। तेरी भैंस की टांग ये ले, और तू भी क्या याद रखेगा, ये ले बॉल बन के आ रहा हूँ तेरे पास में। ओए अबे ये तो नोब है, मैं तो जानबूझ के इसके पास जा रहा था, जब भी ये नहीं ले जा पाया मुझे। भाई ये तो सच्ची में बावली पूछे, ये तो मुझे पकड़ नहीं रहा। ये ले भाई येरी फिश, ये ले सच्ची में ये बावली पूछे, अबे पकड़ मुझे। ले मैं तेरे पैरों में आ गई, ये ले मतलब ही नहीं है इसको कोई, इसके मुंह पे आके कूदता हूँ। लुको एक बारी इसकी भैंस की टांग, ये ले तेरी ऐसे की तैसे, ये ले येरी। अबे यार ये मेरे को देख ही नहीं रहा है, अबे ये तो अंधा है, पता नहीं ये फिशिंग करने क्यों आया है। ले भाई मैं तीसरी बारी इसके कांटे में आके अड़ चुका हूँ, ये मुझे इस बार भी नहीं पकड़ पाया ना, फिर इससे बड़ा लोभ कोई नहीं है। बाकी मैं इसके साथ फुल मस्ती करना चाहता हूँ, बाकी मुझे ये फुल स्पीड में यहाँ से खींचे। तो ये अभी मुझे खींचता हुआ ले जा रहा है, बहुत ज़्यादा पास लेके आ चुका है, और समझ लो इसने मुझे ऑलमोस्ट पकड़ लिया है, कैच कर लिया है। तो लेट्स गो, उठा लिया इसने मुझे। तो अभी मुझे यहाँ पे इसके अंदर कूदना है। ओह वेट, ये मैं फूला। ओह वेट, हो गया। तो फाइनली हमने यहाँ से एस्केप कर दिया है। तो चलो गाइस, आज की ये वाली वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वाली गेम प्ले वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को जाके फटाफट से लाइक कर देना। तो सभी लोग जाओ जल्दी से लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में जाके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।